हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान की दुनिया। देखिए, इससे पहले की वीडियो में मैंने चैप्टर 2 का हाफ रीड करा दिया था, उसको समझा दिया था अच्छे से। आज इस वीडियो में हम बाकी का जो चैप्टर बचा है उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इससे पहले की वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है, वहाँ से जैसे देख सकते हैं, या ऊपर आई बटन पर भी इसका नोटिफिकेशन आ रहा है, वहाँ पर आप इसको जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, देखिए इस प्रोसेस को हम एक्टिविटी से समझेंगे। इसमें स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है समझने के लिए, लेकिन एक बार समझ में आ जाएगा तो सब क्लियर हो जाएगा। टेक ए थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, एक फिल्टर पेपर लेना है, उसकी थिन स्ट्रिप लेना है, ठीक है। ड्रॉ ए लाइन ऑन इट यूजिंग ए पेंसिल अप्रॉक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर अबव द लोअर एज, ठीक है। फिगर में आपको यहाँ पे दिखाया भी गया है, एक लाइन 3 सेंटीमीटर पर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक, वाटर सोल्यूबल दैट इज फ्रॉम ए स्केच पेन, ठीक है। स्केच पेन या फाउंडर पेन से एक इंक की ड्रॉप आप ड्रॉप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे दिखाया भी गया है, ठीक है। स्पॉट ऑफ इंक हमें यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, लोअर द फिल्टर पेपर इन टू ए ग्लास जार, ठीक है, ग्लास बीकर टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग वाटर, सो दैट द इंक ऑफ ड्रॉप ऑफ इंक कैन ऑन द पेपर इज जस्ट अबव द वाटर लेवल, ठीक है, एज शोन इन द फिगर 2.8, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, एक वाटर लेंगे, एक बीकर में वाटर है, उसमें ऊपर से क्या है, हम उस स्ट्रिप को नीचे ऊपर से डुबाएंगे, और हमें सिर्फ इतना ही डुबोना है कि जो वाटर का सरफेस होता है वो सिर्फ उसको टच करे, ओके। सो दैट द ड्रॉप ऑफ इंक ऑन द पेपर इज जस्ट अबव द वाटर लेवल, तो ड्रॉप ऑफ इंक जो है बस वाटर लेवल के जस्ट अबव, ठीक है। अब हम इस ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। देखिए इस ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, डाई एक सिंगल कलर नहीं होता, ठीक है, सिंगल कलर कॉम्पोनेंट नहीं होता, इसमें दो या दो से ज़्यादा कलर होते हैं, मिक्स होते हैं। तो हम डाई से उसको जो इंक है हमारी, ठीक है, उससे कलर को कैसे वो करेंगे। देखिए क्या है, वो वाटर में सोल्यूबल होता है इंक, चलो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। देखिए सॉरी, द इंक दैट वी यूज हैज़ वाटर एज द सोलवेंट एंड द डाई इज सोल्यूबल इन इट, ठीक है। मैंने बताया था कि जो इंक है वो कैसे बनती है, पानी और डाई को मिला के, पानी क्या हो गया सोलवेंट हो गया और डाई हमारा सोल्यूट होगा। एज द वाटर राइजेज ऑन द फिल्टर पेपर इट टेक्स अलॉन्ग विद इट इन द डाई पार्टिकल, ठीक है। जब हम पानी के सरफेस पे हमने फिल्टर पेपर को रखा तो पानी क्या है ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो जाएगा, ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, तो अपने साथ क्या है डाई के पार्टिकल को लेके जाएगा, ठीक है। द कलर्ड कॉम्पोनेंट दैट इज मोर सोल्यूबल इन वाटर, तो जो ज़्यादा सोल्यूबल है, जैसे वाटर ऊपर जा रहा है तो ज़्यादा सोल्यूबल जल्दी घुल के वाटर के साथ ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो राइजेज फास्टर एंड इन दिस वे कलर्स गेट सेपरेटेड, और इस तरह से कलर सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो जो पानी में जो डाई पानी में जल्दी घुल जाएगी वो जल्दी से पानी में सोल्यूबल होकर वाटर के साथ ऊपर उठ जाएगी, इस तरह से कलर के हमारे हो जाएंगे सेपरेट हो जाएंगे, दूसरे वाला नीचे रह जाएगा, ओके। आगे चलते हैं, दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कॉम्पोनेंट इज अ मिक्सचर इज नाउन एज क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। क्रोमा इन ग्रीक मीन्स कलर, ठीक है, ग्रीक में क्रोमा मीन्स कलर होता है, यानी कलर को सेपरेट करने के लिए टेक्निक। द टेक्निक वॉज फर्स्ट यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कलर, सो द नेम वॉज गिविन, ठीक है। सबसे पहले ही कलर के ही को सेपरेट करने के लिए दी गई थी, तो इसलिए क्रोमेटोग्राफी कहा गया। क्रोमेटोग्राफी इज द टेक्निक यूज फॉर सेपरेशन ऑफ दो सोल्यूबल्स दैट डिजोल्व इन द सेम सोलवेंट, ठीक है। अब आपको ये वाली लाइन जो है यहाँ से यहाँ तक जो इसमें हाईलाइट किया हुआ मैंने, इस पर थोड़ा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि ये क्रोमेटोग्राफी पहले कलर के लिए यूज हुए थे जिससे इसका नाम पड़ा, लेकिन ये किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, तो उन सोल्यूट्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ होती है जो सेम सोलवेंट में डिजोल्व होते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं, विद एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी न्यूअर टेक्निक्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी हैव बीन डेवलप्ड, अब नई नई टेक्नोलॉजी इसमें आ रही है, ठीक है। अगली क्लासेज में आप इनको पढ़ोगे, हायर क्लासेज में। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है, ठीक है, टू सेपरेट अलग करने के लिए कलर्स इन ए डाई, ठीक है, डाई के कलर को अलग करने के लिए, पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर, नेचुरल कलर जो होता है उनसे पिगमेंट को निकालने के लिए, ठीक है, कलर कॉम्पोनेंट,
ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, ब्लड से ड्रग को निकालने के लिए भी यूज होता है। ओके आगे बढ़ते हैं, हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड। इससे पहले हमने देखे क्या पढ़ा, इमिसिबल लिक्विड पढ़ा था, ठीक है, जो एक दूसरे में नहीं मिलते हैं। अभी क्या है, मिसिबल लिक्विड है, दो मिसिबल लिक्विड है, उनको कैसे सेपरेट किए जाएंगे। देखिए इसमें एक्टिविटी में क्या लेंगे हम, एक हमने क्या लिया है, डिस्टिलेशन फ्लास्क लिया है, मैं आपको यहाँ से बताऊँ, डिस्टिलेशन फ्लास्क हो गया, ठीक है, स्टैंड हो गया, बर्नर हो गया, ठीक है, क्लैंप में हमने इसमें लगाकर इसमें हमने एक थर्मामीटर लगाया है ऊपर, अभी मैं इसका अरेंजमेंट बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पर हमने ये कंडेंसर लगाया हुआ है, कंडेंसर क्या होता है, जो इसको ठंडा करेगा, ठीक है, उसके अंदर वाटर लगाया हुआ है, ठीक है, और एक बीकर दिया। अभी हमें करना क्या है, देखिए इसमें मिक्सचर है एसीटोन एंड वाटर का, ठीक है, एसीटोन वाटर में मिल जाता है, तो ये मिसिबल लिक्विड हो गया, ठीक है, इनका मिक्सचर है। इसमें हम क्या करेंगे, इसको हीट करना शुरू होंगे। देखिए हमें पता है जो भी लिक्विड्स हैं, ठीक है, जो भी मिसिबल लिक्विड्स हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है दोनों का, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। तो देखिए एसीटोन और वाटर, इन दोनों को हीट करना शुरू हुआ, ठीक है, तो जिसका भी बॉइलिंग पॉइंट इनमें से कम होगा वो जल्दी बॉयल होके वेपर में कन्वर्ट होगा। थर्मामीटर ऊपर हमने लगा रखा है, हमें पता चल जाएगा कितना टेम्परेचर हो गया। तो क्या होगा कि सबसे पहले यहाँ से उठ के जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वेपर में कन्वर्ट होके यहाँ से इस तरफ जाएगा, इस रास्ते में आएगा, ठीक है, यहाँ पे उसको कंडेंस किया जाएगा। कंडेंसेशन प्रोसेस क्या होता है, कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो गैस होती है या वेपर होती है वो किस में चेंज हो जाती है, लिक्विड्स में, ठीक है, लिक्विड में चेंज हो जाती है, ये आपको बताया था। तो यहाँ पे ठंडा वाटर है, इससे क्या करेंगे हम, ठंडे वाटर से ये कंडेंस हो जाएगा यहाँ पे प्रोसेस, और हमारा यहाँ पे आ जाएगा एसीटोन, ठीक है, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो पहले एसीटोन सेपरेट हो जाएगा और हमें दूसरा लिक्विड मिल जाएगा। एक्टिविटी आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेना, मैं आपको फिगर से समझा दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम दो मिसिबल लिक्विड को अलग कर सकते हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन, इस मेथड को कहते हैं डिस्टिलेशन। इसी मेथड के द्वारा ही आपका डिस्टिल वाटर, ठीक है, बनाया जाता है। इट इज़ यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ कॉम्पोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसिबल लिक्विड्स दैट बॉइल विदाउट डिकम्पोजिशन एंड हैव सफिशेंट डिफरेंस इन दियर बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे कि उनके बीच में वो डिकम्पोजिशन नहीं होते हैं जब उनको हीट करते हैं, एंड हैव सफिशेंट डिफरेंस इन दियर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, उनके बॉइलिंग पॉइंट में सफिशेंट डिफरेंस होता है। ऐसा नहीं है कि उनमें बहुत मामूली से डिफरेंस है, क्योंकि अगर आप हीट करोगे तो दोनों एक साथ वेपर में चेंज होना शुरू हो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा बहुत अंतर ही होगा, तो हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते, उनमें डिफरेंस होना चाहिए। टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड्स फॉर विद द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25K, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस इज यूज, ठीक है। मैंने क्या कहा कि उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम 25 केल्विन का डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन अगर उससे कम है तो हम डिस्टिलेशन प्रोसेस को ना यूज करके हम यूज़ करते हैं कौन सा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस, ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेज ऑफ फ्रॉम द एयर डिफरेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है, इनको सेपरेट करने के लिए हम फ्रैक्शनल प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। द एपरेटस इज सिमिलर टू द फोर सिंपलर डिस्टिलेशन एक्सेप्ट दैट ए फ्रैक्शनिंग कॉलम इज फिटेड इन द डिफरेंट इन बिटवीन द डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड द कंडेंसेसर, ठीक है, डिस्टिलेशन फ्लास्क और कंडेंसेसर के बीच में इसमें एक एक्स्ट्रा एपरेटस लगा दिया जाता है जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनिंग कॉलम, ठीक है। ए सिंपल फ्रैक्शनिंग कॉलम इज अ टेस्ट ट्यूब, इज अ ट्यूब पैक्ड विद ए ग्लास बीड्स, द बीड्स प्रोवाइड सरफेस फॉर द वेपर्स टू कूल एंड कंडेंस रिपीटेडली। ओके देखिए ये आपका है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस, ठीक है। इसमें सिर्फ क्या किया गया है, यहाँ पे क्या किया गया है, इसमें सिर्फ ये आपको फ्रैक्शनिंग कॉलम लगा दिया गया है, ठीक है। तो देखिए अभी यहाँ पे मिक्सचर लिया है जिनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम डिफरेंस है, इसको हीट करेंगे सेम डिस्टिलेशन प्रोसेस की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या है, फ्रैक्शनिंग कॉलम यहाँ पे अलग से लगाया गया है। इससे क्या होगा कि ये जो इसके अंदर बीड्स हैं इसमें क्या है, ये वेपर को कूल करेंगे और कंडेंस करेंगे बार बार, ठीक है।
तो हमें एक ही तरह का जो मिक्सचर में एक ही तरह का कंपोनेंट है वो हमारे यहाँ तक जाएगा कंडेंसेशन में, और वहाँ पे वो सेपरेट होता जाएगा, ठीक है। तो हमें प्योर लिक्विड मिल जाएगा इस मिक्सचर से, ओके, सेम प्रोसेस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए, हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, ठीक है, डिफरेंट गैसेज फ्रॉम एयर, गैस जो एयर में बहुत सारी गैसेज है उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इसका प्रोसेस इसमें दिया गया। देखिए, एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर एंड कैन बी सेपरेटेड इन कॉम्पोनेंट्स बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अभी बताया था कि जिनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम टेम्परेचर है, सॉरी बहुत कम डिफरेंस है उनके टेम्परेचर में, तो उनको क्या किस प्रोसेस, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो एयर को भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की उससे ही हेल्प करेंगे। इसके स्टेप को देखें, इन्हें फ्लो चार्ट में दिखाया गया कि एयर है, एयर को देखो इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हमें क्या लिक्विड चाहिए होते हैं, ठीक है, तो एयर गैस है तो एयर को हमें पहले किस में, लिक्विड में चेंज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एयर को पहले लिक्विड में चेंज किया गया है, ठीक है। लिक्विड में चेंज होने के बाद अलाउड टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में फिर उसको धीरे धीरे गर्म होने दिया जाता है, ठीक है। गर्म होंगे तभी तो वेपर में चेंज होंगी, ठीक। अभी देखिए, और अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे क्या है, हमें अलग अलग गैसेस मिल जाएंगी, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं तीनों अलग अलग गैस के, तो हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। इसको फिगर में भी यहाँ पे दर्शाया गया, देखिए ये पूरा सेटअप इसमें दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ से इस प्रोसेस से क्या एयर आएगी अंदर, ठीक है, एयर अंदर आ रही है, एयर यहाँ प्रेशर से उसको कंप्रेस करके यहाँ किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट किया जा रहा है, ठीक है, लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। कंप्रेस्ड एयर इसके बाद यहाँ पे आती है सेपरेटर में, ठीक है, सेपरेटर से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी ड्राई आइस के फॉर्म में, जब उनको लिक्विड में सॉलिड वो करेंगे तो यहाँ पे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा ड्राई आइस के फॉर्म में। उसके बाद जो लिक्विड एयर है, ठीक है, उसको एक्सपेंशन जेट से यहाँ छोड़ेंगे तो यहाँ से क्या होगा, वो वार्म अप होना शुरू हो जाएंगे, वार्म अप होना शुरू हो जाएंगे तो उनका अलग अलग पॉइंट पे, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे क्या हो, सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे, देखिए, ठीक है। यहाँ से देखिए लिक्विड ऑक्सीजन आ जाएगा, दूसरे से नाइट्रोजन चला जाएगा और इस वाले गेट से आर्गन गैस हो जाएगी। तो इस तरह से हम एयर से डिफरेंट गैसेस को अलग करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल, ठीक है, एक इम्प्योर सैंपल है कॉपर सल्फेट का, हम वहाँ से प्योर कॉपर सल्फेट क्या निकलते हैं। देखिए, मैं इसको एक्टिविटी आप पढ़ लेना, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, क्रिस्टलाइजेशन। तो इसको सेपरेट करने के लिए जो हम यूज़ करेंगे वो मेथड यूज़ होगा क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज टू प्योरीफाई लिक्विड सॉलिड्स, ठीक है, सॉलिड्स को प्योरीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, द सॉल्ट वी गेट फ्रॉम सी वाटर कैन हैव मैनी इम्प्योरिटीज, जो हम सी वाटर से लेते हैं उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होते हैं, ठीक है, तो उसको इसी मेथड की उससे हेल्प से किया जाता है। टू रिमूव द इम्प्योरिटीज द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस दैट सेपरेट्स अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल्स फ्रॉम ए सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए, क्रिस्टलाइजेशन में आपको एक वर्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, क्या वर्ड है वो, क्रिस्टल, ठीक है। तो हमें जो प्योर सॉलिड मिलेगा वो क्रिस्टल की फॉर्म में मिलेगा, मैं आपको वर्बली बता देता हूँ, एक्टिविटी में आप देख लेना। इसमें क्या है, आप कॉपर सल्फेट का इसमें एग्जांपल जैसे इसमें लिया है, तो उसमें क्या करेंगे, आप एक छोटा पार्टिकल एक धागे में बांधेंगे और जो इम्प्योर सॉल्यूशन है हमारा बीकर में, उसको बीकर में लेंगे और उसके अंदर उसको डुबा के उसको काफ़ी टाइम के लिए हम छोड़ देंगे। उससे क्या होगा, धीरे धीरे जो सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट के प्योर पार्टिकल हैं वो उस क्रिस्टल पे आकर धीरे धीरे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, उसका क्रिस्टल बनना वहाँ पे शुरू हो जाएगा और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो बीकर में ही रह जाएंगी, नीचे ही रह जाएंगी, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पर आते हैं, क्रिस्टलाइजेशन इज़ अ टेक्निक इज़ बेटर देन सिंपल इवेपोरेशन टेक्निक, ठीक है, इवेपोरेशन टेक्निक से ज़्यादा अच्छा ये क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक है, ठीक है, क्योंकि इससे हमें एकदम प्योर मिलता है। क्यों है, सम सॉलिड्स डिकम्पोज और सम लाइक सुगर मे गेट चैरिड ऑन हीटिंग ऑन ड्राइनेस, ठीक है। अगर हम इवेपोरेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं तो क्या होता है, कुछ ज़्यादा हीट करने पे कुछ कंपोनेंट्स हैं डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है, ये जल जाते हैं, ठीक, तो उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से उनको हेल्प किया जा सकता है। दूसरा इसका प्रॉपर्टी क्या है, सम इम्प्योरिटीज में रिमेन डिजोल्व इन सॉल्यूशन इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन, ठीक है। देखो, फिल्ट्रेशन का अगर हम प्रोसेस यूज़ करते हैं तो कुछ इम्प्योरिटीज़ फिर भी यूज़ हो जाती हैं, ठीक है, सॉरी उसमें रह जाती हैं,
ठीक है, ओके ओके। ये एप्लीकेशन क्रिस्टलाइजेशन कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है, प्योरिफिकेशन ऑफ साल्ट वी गेट फ्रॉम सी वाटर, ठीक है, इसका एग्जांपल आपको बताया, सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम, फिटकरी जिसको बोलते हैं, इम्प्योर सैंपल से हम प्योर फिटकरी हमें निकाली जाती है, वो भी क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू, ओके। दस By choosing one of the above method according to the nature of the components of a mixture, we get a pure substances. देखिए अब हमने इतने सारे क्या है सेपरेशन के मेथड पढ़े, तो इनमें से कोई एक मेथड को यूज़ करके डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कॉम्पोनेंट, जिसको हम सेपरेट कर रहे हैं उसका कैसा नेचर है उसके अकॉर्डिंग हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। विद एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी मैनी मोर मैथड्स ऑफ सेपरेशन टेक्निक्स हैव बीन डिवाइस, ठीक है, अलग अलग टेक्निक अब और डिवाइस की गई है, ठीक है। इसी तरह सिटीज़ में ड्रिंकिंग वाटर को किस तरह से प्योरीफाई किया जाता है, देखिए इसका डायग्राम भी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। रिजर्वेयर से सेडिमेशन टैंक में आएगा वाटर, ठीक है, टू अलाउ सॉलिड्स टू सेटल, ठीक है, जो सॉलिड इम्प्योरिटीज़ हैं उसमें सेटल हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ उसमें सेटल डाउन हो जाएंगी नीचे, ठीक है। इसमें क्या है, इस सेडिमेंशन टैंक में जो सॉलिड इम्प्योरिटीज है इसमें सस्पेंडेड जो है वो छोटी हैं वो नीचे बैठ जाएंगी, ठीक है, सेडिमेंट हो जाएगा। उसके बाद फिल्ट्रेशन टैंक में आएंगे, ठीक है, तो फिल्ट्रेशन टैंक में यहाँ पर फिल्टर करेंगे, तो सबसे नीचे जो मोटी इम्प्योरिटीज़ हैं जिनका साइज थोड़ा बड़ा है, ठीक है, कोर्स ग्रेवल जिसको बोलते हैं, फिर ग्रेवल जो बहुत छोटी हैं और फाइन सैंड जो बहुत पतली है, ठीक है, ये सब धीरे धीरे अलग अलग लेवल पे सेपरेट हो जाएंगे और प्योर वाटर हमें यहाँ से इस टैंक में आ जाएगा। उसके बाद हम इसका क्लोरीनेशन करेंगे, क्लोरीनेशन में क्या होता है, एक हमें क्लोराइड इसमें मिलाते हैं जिससे बैक्टीरिया जो इसमें प्रजेंट होते हैं वो मर जाते हैं और प्योर वाटर हम घरों को सप्लाई करते हैं। ये सिस्टम आपका सिटीज़ में यूज़ होता है वाटर सप्लाई के लिए, ठीक है, ओके। देखिए एक क्वेश्चन मैंने बता दिया था आपको पहले ही कि हम इनको बाद में कहेंगे। नेक्स्ट आते हैं केमिकल एंड फिजिकल चेंज, ठीक है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या है। देखिए पहले चैप्टर में हमने बताया था कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। अभी देखिए इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने जाना था, द प्रॉपर्टीज दैट कैन बी ऑब्जर्व एंड स्पेसिफाइड, ठीक है, जिनको ऑब्जर्व किया जा सकता है और स्पेसिफाई किया जा सकता है, ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं, जैसे कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब क्या है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ इज ए फिजिकल चेंज बिकॉज दीज चेंजेस ओकर विदाउट चेंज इन कंपोजिशन एंड नो चेंज इन द केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। हमने इससे पहले चैप्टर में क्या पढ़ा था, इंटरचेंज ऑफ द स्टेट्स, सॉलिड का लिक्विड से, लिक्विड में लिक्विड का गैस में, गैस का सॉलिड में, इस तरह से इंटरकन्वर्जन। तो ये जो इंटरकन्वर्जन है, ठीक है, कंपोनेंट्स का, तो ये क्या है, एक फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज क्यों है, क्योंकि कोई भी कंपोनेंट है जिसको हम जिसके हम स्टेट चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी केमिकल नेचर में कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है, तो इसीलिए उसकी केमिकल चेंजेस में कोई, बस सिर्फ उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है, ठीक है, जो चीज़ सॉलिड दिख रही थी वो लिक्विड दिखने लगती है, लेकिन उसका केमिकल नेचर वैसा ही होता है, इसलिए ये क्या कहलाता है हमारे फिजिकल चेंजेस होता है, ठीक है। ऑल दो आइस वाटर एंड वाटर वेपर ऑल लुक डिफरेंट, ठीक है, देखिए आइस सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, वेपर क्या है, गैस है, ये सब अलग अलग स्टेट में दिखते हैं, ठीक है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी जो है वो ऐसी रहती है, तो केमिकली वो सेम हो जाते हैं, फिजिकल मतलब दिखने में वो अलग अलग रहते हैं लेकिन केमिकली वो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक फिजिकल चेंज होता है। आगे दे डिफर इन ऑर्डर एंड इनफ्लेमेबिलिटी, वी नो दैट ऑयल, सॉरी आई थिंक सम यहाँ पे क्या, वाटर एंड कुकिंग ऑयल, अब यहाँ पे देखिए वाटर एंड कुकिंग ऑयल को लिया गया आर लिक्विड बट देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट, ठीक है, वाटर और लिक्विड दोनों कैसे हैं, सॉरी वाटर एंड ऑयल दोनों कैसे हैं, लिक्विड्स हैं लेकिन उनकी केमिकल नेचर अलग है, उनकी स्मेल अलग है, ऑर्डर इनफ्लेमेबिलिटी अलग है उनकी, ठीक है, जलने की योग्यता अलग है। वी नो दैट ऑयल बर्न्स इन एयर वेयर वाटर एक्सटिंग्विश फायर, तो ये नेचर हमें पता चला कि ऑयल से क्या होता है, आग लगती है और पानी से आग बुझ जाती है, ठीक है। इट इज़ द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम वाटर, ठीक है, वाटर को ऑयल से डिफरेंट जो बनाता है ऑयल की वो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है लिक्विड स्टेट, ठीक है, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट करती हैं। बर्निंग इज़ ए केमिकल चेंज,
ठीक है, जो बर्निंग है वो केमिकल चेंज है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वन सब्सटेंस रिएक्ट्स विद अनदर टू अंडरगो अ चेंज इन ए केमिकल कंपोजिशन। केमिकल चेंज ब्रिंग्स चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड वी गेट न्यू सब्सटेंसेज। ए केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन। देखिए पूरा पार्ट मैंने हाईलाइट कर दिया, इसको पढ़ोगे तो आपको पूरा केमिकल चेंज, जैसे बर्निंग क्या है, एक केमिकल चेंज बताया। केमिकल चेंज क्यों होता है, केमिकल चेंज में क्या होता है कि एक प्रोडक्ट की को दूसरे प्रोडक्ट से क्या होता है, ठीक है, सॉरी एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से क्या होता है, रिएक्ट करता है, ठीक है, केमिकली रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद वो एक नया कंपोनेंट बताता है। तो बर्निंग में भी क्या होता है, बर्निंग में एक सब्सटेंस एयर के साथ बर्न होता है, ठीक है, और एक नया कंपोनेंट बनाता है जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होती हैं, ठीक है। तो जो पहले सब्सटेंसेस थे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग थी, जो नए बने उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है, तो ये चेंज हो गया, ठीक है। तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज ला देता है, केमिकल चेंजेस जो होते हैं, केमिकल चेंज को हम क्या है, केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस के बारे में अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए एग्जांपल में दिया, ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ ए कैंडल बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। फिजिकल और केमिकल चेंजेस दोनों होते हैं बर्निंग होकर, क्यों, क्योंकि उसकी स्टेट चेंज हो जाती है, जो वैक्स है उसकी स्टेट चेंज हो जाती है, और बर्निंग होती है वैक्स की, ठीक है, वैक्स बर्न हो जाता है, बर्न हो जाता है तो वो केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस के टाइप कौन कौन सा होता है, देखिए एलिमेंट्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दियर केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन के बेस पे जो सब्सटेंसेस हैं उनको क्लासिफाइड किया गया है एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। ओके अब द एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ते हैं, एलिमेंट्स क्या, सबसे पहले फर्स्ट साइंटिस्ट हुए थे रॉबर्ट बॉयल, ठीक है, रॉबर्ट बॉयल ने, साइंटिस्ट जो थे उन्होंने एक टर्म यूज़ किया था सबसे पहले एलिमेंट नाम का, ठीक है, एलिमेंट टर्म को यूज़ किया था 1661 में, ठीक है। उसके बाद आए थे हमारे, सॉरी उसके बाद आए थे एंटोनी लॉरेंट, ठीक है, इन्होंने, ये फ्रेंच केमिस्ट थे, वाज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश एक्सपेरिमेंटली यूजफुल डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट की इन्होंने प्रॉपर डेफिनेशन दी थी। एन एलिमेंट एज अ बेसिक टर्म फॉर्म्स ऑफ ए मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन, ठीक है, आप यहाँ से याद रखेंगे, बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर होती है दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इंटू सिंपलर सब्सटेंसेज, जो सिंपलर सब्सटेंसेज में ब्रेक डाउन नहीं हो सकती है, ठीक है, यानी उससे ज़्यादा उसको नहीं तोड़ा जाता है किसी सब्सटेंसेज की बेसिक फॉर्म को, तो वो हमारा कहलाएगा एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट्स कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, ठीक है, ये आप बाद में पढ़ेंगे, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, तीन कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। मेटल्स यूजुअली शो द सम ऑफ द ऑल ऑफ द प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ मेटल शो करेंगे। लस्टर, मैं जल्दी थोड़ा बता देता हूँ उनको, लस्टर होता है मीन्स वे शाइन करते हैं, उनकी सरफेस शाइन करती है, सिल्वरी ग्ले या गोल्ड और येलो कलर के होते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी उनसे कंडक्ट हो सकती है, ठीक है, उनसे बह सकती है उनके थ्रू, डक्टाइल हो सकते हैं, डक्टाइल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, ठीक है, उनकी वायर्स बन सकती हैं, वायर में बना सकते हैं उनको। दे आर मैलेबल, मैलेबल कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट, ठीक है, मेटल्स की थिन शीट बना सकती है हैमर्ड कर करके। सोनोरस, सोनोरस मीन्स क्या है, जब उनको आप हिट करोगे तो उनसे एक साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है, रिंगिंग साउंड वेन हिट, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज होती हैं मेटल की। एग्जांपल्स दिए हैं, एग्जांपल्स ऑफ मेटल आर क्या है, यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, ठीक है, ये सब क्या है हमारे। मरकरी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो ठीक है, सब मेटल्स क्या होती, कैसी होती हैं, सॉलिड होती हैं, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड्स होती हैं, आयरन हो गया, ये सब आपने देखा होगा, ठीक है, तो ये सॉलिड होते हैं, लेकिन मरकरी एक एक्सेप्शन है, मरकरी यूज़ होता है, सॉरी यूज़ होता है, मरकरी एक रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है हमारा, लिक्विड होता है, ठीक है। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज दी गई हैं, नॉन मेटल्स यूजुअली शो सम और ऑल ऑफ द प्रॉपर्टी, ऐसे करते हैं, वेराइटी ऑफ कलर्स, अलग अलग कलर्स के होते हैं, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, कंडक्टर हो सकते हैं लेकिन पुअर कंडक्टर होते हैं, ठीक है, दे आर नॉट लस्टरस, ठीक है, उनका सरफेस शाइन नहीं करता, सोनोरस नहीं, जब उनको हिट करेंगे तो साउंड नहीं आएगी, और मैलेबल, उनको शीट में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता, ठीक है। इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, ठीक है। सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज, ठीक है,
बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज बना दी है, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो इनके बीच की प्रॉपर्टीज रखते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं मेटलॉइड्स। ठीक है, दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स, एग्जाम्पल्स आर बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, तो ये तीनों बोरोन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये तीनों हो गए आपके मेटलॉइड्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये मोर टू नो आप नॉलेज के लिए आपको बताया गया है, ठीक है, इसको आप पढ़ लेना। कंपाउंड्स पे आ जाते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में मतलब बता दिया था कि सब्सटेंसेस को केमिकल नेचर के, तो जो प्योर जो बेसिक फॉर्म है उसको एलिमेंट्स में बदल दिया। अब देखिए कंपाउंड क्या है, ए कंपाउंड इज ए सब्सटेंस कंपोज ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिला के बनाया जाता है हमारा कंपाउंड्स। केमिकली कंपाउंड विद वन अनदर इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ठीक है, केमिकली ये टर्म आपको यूज ध्यान में रखने है, केमिकली कंबाइंड होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, और फिक्स प्रोपोर्शन में, ठीक है, फिक्स प्रोपोर्शन में यूज़ करें, क्योंकि अगर उनका हम प्रोपोर्शन चेंज कर देंगे तो कोई दूसरा कंपोनेंट बन जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें एक एक्टिविटी दी है, इसमें देखिए ग्रुप वन, ग्रुप वन में मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर, आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर को एक साथ मिक्स करेंगे। ग्रुप टू में क्या है, मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर, हीट दिस मिक्सचर स्ट्रॉन्गली टिल रेड आउट, ठीक है, उसको हीट करेंगे जब तक एकदम से लाल ना हो जाए, रिमूव फ्रॉम फ्लेम एंड लेट द मिक्सचर कूल, अब उसे ठंडा होने देंगे। ठीक है, ग्रुप वन एंड टू, चेक फॉर मैग्नेटिज्म इन द मटेरियल ऑब्टेंड, अब उसमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी यानी मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं नहीं, ये प्रॉपर्टी को हम चेक करेंगे। ठीक है, ब्रिंग ए मैग्नेट नियर द मटेरियल एंड चेक इफ द मटेरियल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द मैग्नेट। ओके, आगे कंपेयर द टेक्सचर एंड कलर ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन बाय द ग्रुप्स, अब क्या उसका कलर देखेंगे, टेक्सचर देखेंगे कि किस तरह से वो मेटल बना है, सॉरी कंपाउंड बना है। एड कार्बन डाइसल्फाइड टू वन पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन स्टिल वेल एंड ऑब्टेन, ठीक है, अब उसमें थोड़ा पार्ट अलग करेंगे, उसमें कार्बन डाइसल्फाइड निकालेंगे, मिला देंगे। एड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू द अदर पार्ट, दूसरे पार्ट में क्या करेंगे, तो उससे क्या होगा, देखिए अभी है द मटेरियल ऑब्टेन, परफॉर्म ऑल द स्टेप्स विद बोथ एलिमेंट्स, ठीक है, ये सब आयरन सल्फर के साथ अलग अलग हम एक्टिविटी, जैसे पहले हमें क्या है मिला के किया था, अभी हम इसको अलग अलग करेंगे। इससे आपको कुछ कंक्लूजन होंगे, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। द गैस ऑब्टेन बाई ग्रुप वन इज हाइड्रोजन, इट इज़ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड कम्बस्टेबल, ठीक है, आयरन फिलिंग को जब आप कॉपर सल्फेट के साथ मिलाओगे तो आपको एक गैस मिलेगी, ठीक है, गैस फिल होगी, वो गैस कौन सी होगी, हाइड्रोजन होगी। हाइड्रोजन गैस कैसी है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस एंड कम्बस्टेबल है, ठीक है, उसको जलाया जा सकता है। इट इज़ नॉट एडवाइज टू डू द कम्बसन टेस्ट और हाइड्रोजन टेस्ट इन द क्लास, ठीक है, ये जो बताया गया है ये सब क्लास में नहीं करना है आपको, आपको टीचर की सुपरविजन में केमिस्ट्री लैब में आपको ये सब करना है। द गैस ऑब्टेन बाई द ग्रुप टू इज हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, ग्रुप टू के द्वारा जब हमने हीट कर दिया था उसको रेड हॉट के लिए, तो हमें तब जो गैस मिलती वो मिलेगी हमें हाइड्रोजन सल्फाइड। इट इज़ ए कलरलेस गैस विद ए स्मेल ऑफ रोटन एग्स, ठीक है, जैसे सड़े हुए अंडे में स्मेल आती है ऐसी होगी, कलरलेस होगी ये गैस भी। ओके, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट प्रोडक्ट्स ऑब्टेन बाई बोथ द ग्रुप शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है, इस सारी एक्टिविटी कराने का मतलब सिर्फ ये ही था कि जो हमने ये बनाया है, ये कंपाउंड बनाए हैं, उनकी दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या अलग अलग होंगी। ठीक है, दो द स्टार्टिंग मटेरियल्स वर द सेम, दोनों में हमने सेम लिया था स्टार्टिंग मटेरियल, आयरन फिलिंग्स और सल्फर ही लिया था, ठीक है, लेकिन एक में क्या टेम्परेचर, हमने टेम्परेचर ज़्यादा दिया। ग्रुप वन हैज़ कैरिड आउट द एक्टिविटी इन्वॉल्विंग ए फिजिकल चेंज, वेयर इज इन द केस ग्रुप टू ए केमिकल चेंज, ठीक है, ग्रुप वन में क्या फिजिकल चेंज हुआ था, हमने सिर्फ मिला दिया था तो हमें आयरन भी अलग दिख रहा था, सल्फर भी अलग दिख रहा था, ठीक है, लेकिन ग्रुप टू में क्या, जब हमने उसको हीट कर दिया है तो वो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, उनके बीच में क्या केमिकल रिएक्शन होती है और एक हमें नया कंपाउंड मिलता है, ठीक है, ये कैसा है, केमिकल चेंज है। ओके, द मटेरियल ऑब्टेन बाई ग्रुप वन इज़ ए मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेज, मिक्सचर था, द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर आर द सेम एज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, तो जब फिजिकल चेंजेस हुआ तो उसमें जो नया कंपोनेंट बनाया, नया कंपोनेंट क्या, जो आयरन फिलिंग और सल्फर को मिलाया, तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहती, ठीक है। द मटेरियल ऑब्टेन बाई ग्रुप टू इज ए कंपाउंड, ठीक है, वो पहला मिक्सचर था, अभी क्या है, ये कंपाउंड बन गया है, जो ग्रुप टू ने किया था, जिसको हीट किया गया था। ऑन हीटिंग टू एलिमेंट्स स्ट्रॉन्गली वी गेट ए कंपाउंड विच हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़,
कंपेयर टू द कंबाइनिंग एलिमेंट, जो हमने शुरू में एलिमेंट्स लिए थे उनसे बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगी इस कंपाउंड की। द कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज द सेम थ्रू आउट, ठीक है, कंपोजिशन सेम रहेगा, मतलब एक प्रॉपर यूनिफॉर्म रहेगा। वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द टेक्स्चर एंड द कलर ऑफ द कंपाउंड आर द सेम थ्रू आउट, ठीक है, सारा मतलब जो हमने नया कंपाउंड बनाया है उसका भी पूरे का जो टेक्स्चर और कलर होगा वो एक जैसा होगा। दस वी कैन समराइज द फिजिकल एंड केमिकल नेचर ऑफ मैटर इन द फॉलोइंग ग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि क्या होता है। देखिए मैटर आपको दिया गया है, मैटर दो पार्ट में डिवाइड किया, प्योर सब्सटेंसेज और मिक्सचर में। मिक्सचर दो तरह के होते हैं, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस, ये बता दिया पहले। प्योर सब्सटेंसेज एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के होते हैं, तो इनको आप पढ़ लेना, इनके एग्जाम्पल दिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। इसके ऊपर एक टेबल और रह गई थी यहाँ पे, ठीक है, ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपका क्वेश्चन आता है ज़रूर, ठीक है। मिक्सचर एंड कंपाउंड के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ए मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड। मिक्सचर में कोई नया कंपाउंड नहीं बनता है, जस्ट उनको एक दूसरे के साथ मिला दिया जाता है। जैसे अभी एक्टिविटी में आयरन फिलिंग और सल्फर को मिला दिया गया था। वेयर एज कंपाउंड में क्या था, एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, ठीक है, जैसे ग्रुप टू ने क्या रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ तो एक नया कंपाउंड बना देते हैं। सेकेंड, ए मिक्सचर हैज अ वेरिएबल कंपोजिशन, ए वेरिएबल मतलब उसमें क्या था, कोई चीज़ ज़्यादा हो सकती है, कोई कम हो सकती है, इस तरह से बनाया जा सकता है। द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। अभी क्या है, देखिए अगर हम आयरन फिलिंग ज़्यादा ले रहे हैं और सल्फर कम ले रहे हैं तो हमारा कुछ कंपोनेंट बनेगा, लेकिन अगर हम सल्फर की कंपोजिशन ज़्यादा ले रहे हैं, आयरन बहुत कम ले रहे हैं, तो हमारा दूसरा कंपोनेंट बनेगा, उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी अलग होंगी, ठीक है, तो हमें नया कंपाउंड मिलेगा। ओके, ए मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टेंट सब्सटेंसेस। मिक्सचर में क्या है, जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स या सब्सटेंसेस हम मिला रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी शो करेगा, लेकिन कंपाउंड में टोटली डिफरेंट होंगी। द कंस्टेंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजिली बाई फिजिकल मेथड से उनको सेपरेट किया जा सकता है मिक्सचर को, लेकिन कंपाउंड को सेपरेट नहीं किया जा सकता, ठीक है, उनके लिए केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको सेपरेट करने के लिए। ओके, ठीक है, देखिए ये मैंने आपको यहाँ तक अभी समझा दिया है। ओके, तो गाइज इसकी रीडिंग हमने कंप्लीट कर ली है, ठीक है, अच्छे से समझ लिया है चैप्टर को। अगर आपको कोई डाउट है किसी भी चीज़ में जो आपको समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन थे बीच में उनको डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को भी एक साथ उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर अमंग विद योर फ्रेंड्स, ओके, और जो भी आपको डाउट है तो प्लीज़ उनको कमेंट्स कीजिए, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे, ठीक है, थैंक यू।